रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम, सीधी साधी बोली। मिल गया जिंदगी को एक सहारा, मिल गया दिल अगर लगता न हो संसार में, जिंदगी और मौत अतीत की कुछ घटना इंसान को अपना मार्ग बदलने को मजबूर कर देती है। एक अभिनेत्री ऐसी थी जिनकी खूबसूरती से बड़ी अभिनेत्रियां जलती थी, यहाँ तक उन्होंने प्रेमनाथ और जितेंद्र पर जबरदस्ती करने का आरोप भी लगाया था। दूर दूर तक इंसाफ का नामो निशान नहीं दिख रहा था, इस वजह से उन्होंने बॉलीवुड से संन्यास लेना सही समझा। वो अभिनेत्री कहाँ है ये शायद ही कोई जानता हो, पर क्योंकि आप बायोग्राफी और रियल लाइफ स्टोरी इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, इस वजह से हम आपको उनका पता जरूर बताएंगे। जिस अभिनेत्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है फरयाल। फरयाल उर्फ फरयाल मनमोहन के नज़दीकी लोगों के बारे में आज कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि उनके पिताजी भारतीय मूल के थे तो वहीं उनकी माताजी सीरिया की निवासी थी। 3 नवंबर 1945 में सीरिया के डमास्कस शहर में उनका जन्म हुआ था, पर उनका पालन पोषण भारत में पारंपरिक पद्धति से हुआ। शिमला के कॉन्वेंट स्कूल से प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वे मुंबई आई। मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उस दौर में फरयाल अभिनेत्री सायरा बानो जैसी दिखती थी। नैसर्गिक खूबसूरती से पूर्ण इस लड़की ने एयर हॉस्टेस बनने का फैसला किया। बतौर एयर हॉस्टेस वे ज़्यादा समय टिक नहीं पाई और तुरंत ही उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला किया। पर उनके घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उन्हें इस फील्ड में मदद करे, इसलिए फरयाल ने फिल्मालय स्टूडियो के एक्टिंग स्कूल में एडमिशन किया। अभिनय के प्रति उनका झुकाव सफल हुआ और कम अवधि में वे फिल्मों में झलकने लगी। जैसे कि कहा जाता है कि परिस्थितियों के आफत में इंसान का भविष्य भी उजाड़ हो जाता है, वैसा ही कुछ फरयाल के साथ हुआ। उनकी काया और डायलॉग डिलीवरी का अंदाज इस हद तक आकर्षक था कि सभी फिल्मकार उन्हें वैम गर्ल का किरदार ऑफर करने लगे। कैबरे डांस और वैम गर्ल जैसी चीज़ों से वे हमेशा नफरत किया करती थी, पर इन चीज़ों के अलावा उनके पास दूसरा विकल्प भी नहीं था, इसीलिए फरयाल ने हमेशा मिले हुए किरदार निभाए, चाहे वो किरदार कोई भी हो, और साथ ही उन्होंने मॉडलिंग जगत में सक्रिय रहना भी उचित समझा। फिल्म स्कूल से निकलने के बाद उन्हें पहली फिल्म बिरादरी मिली। 1966 की ये फिल्म फ्लॉप रही, पर अभिनेता शशि कपूर का साथ उन्हें मिला। बिरादरी फिल्म फरयाल की बतौर लीड एक्ट्रेस पहली फिल्म थी, पर 1965 की फिल्म जिंदगी और मौत सबसे पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मशहूर खलनायक और अभिनेता निसार अहमद ने डायरेक्ट किया था, जो उस साल की हिट फिल्म थी। जिंदगी और मौत की सफलता के बाद फरयाल को काफ़ी ऑफर्स आने लगे। दो फिल्मों के बाद उनकी जो तीसरी फिल्म थी वो उनके जीवन की निर्णायक फिल्म साबित हुई। 1967 की ज्वेल थी फिल्म तो हिट रही, पर फरयाल का फिल्मी सफर में नया मोड़ भी आया। इस फिल्म का एक कैबरे डांस इतना मशहूर हुआ कि सभी फिल्मकार ने उन्हें डांसर के रूप में देखना शुरू किया। ₹1970 की सच्चा झूठा, ₹1973 की लोफर, शम्मी कपूर डायरेक्टेड फिल्म मनोरंजन, 1975 की रफू चक्कर, फरयाल के छोटे बड़े किरदार के साथ ये फिल्में काफ़ी प्रचलित रही, और 60 से लेकर 70 के दशक तक वे हमेशा कैबरे और वैम गर्ल के रूप में लगातार चर्चित रही। कुछ मैगजीन्स ने उनके नाम के बाद फिल्म जगत की सेक्स सिंबल ये नाम भी जोड़ लिया था। छोटे कपड़े पहनकर टाइपकास्ट की भूमिका अदा करना यही उनका जीवन था। एक इंटरव्यू के दौरान फरयाल बताती हैं कि वे कैबरे डांस से नफरत करती हैं। असल में उन्होंने डांस का प्रशिक्षण लिया ही नहीं था, उनसे ज़बरदस्ती ये किरदार करवाए जाते हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने मन की बात बेफिक्र तरीके से लोगों के सामने रखी थी। फरयाल के खूबसूरती की आलम इस हद तक थी कि एक फिल्म के दौरान एक प्रसिद्ध हीरोइन ने फरयाल से कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो, इसलिए कॉस्ट्यूम चेंज करो। शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म हीरा के शूटिंग के दौरान अन्य एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर से बात करके अच्छे गाने खुद पर फिल्माने को कहा था। करियर की इसी मोड़ पर फिरोज खान ने अपनी फिल्म अपराध में उन्हें एक ग्लैमरस रोल ऑफर किया।
फिरोज खान इस फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में सामने आए। फरियाल ने फिल्म में एक बाथटब का सीन किया और इसके बाद उनकी किस्मत पर जैसे वैम्प वाली भूमिकाओं की मोहर लग गई। फिर कभी उन्हें कैरेक्टर आर्टिस्ट वाले रोल नहीं मिले। वह लगातार वैम्प भूमिकाएं निभाती चली गई जिनमें कैबरे डांस भी शामिल होता था। पसंद नापसंद के बीच फरियाल का करियर आगे बढ़ता रहा, लेकिन 1980 का दशक खत्म होते होते उन्हें फिल्में ऑफर होना कम हो गई। फरियाल के जीवन से जुड़ी कहानियां बहुत है। उन्हें हमेशा इस बात का दुख था कि उन्हें टाइपकास्ट का जीवन जीना पड़ा। एक इंटरव्यू में फरियाल ने अपने जीवन की तुलना अभिनेत्री बिंदु के साथ की। फरियाल बताती हैं कि बिंदु इतनी खूबसूरत अभिनेत्री होते हुए भी उन्हें कभी बतौर अभिनेत्री का किरदार मिला ही नहीं। इस इंटरव्यू में वे आगे बताती हैं कि क्या खूबसूरत लड़की अच्छी अभिनेत्री नहीं बन सकती। फरियाल के कठिन परिस्थिति का अंत साल 1984 में हुआ, पर उन्हें अपने फिल्मी जीवन को भी पूर्ण विराम देना पड़ा। जितेंद्र की फिल्म द गोल्ड मेडल में एक सीन के दौरान फरियाल को एहसास होने लगा कि अभिनेता प्रेमनाथ उन्हें छेड़ रहे हैं। दरअसल शॉट इस प्रकार था जहां प्रेमनाथ फरियाल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, पर एक इंटरव्यू के दौरान फरियाल का कहना था कि प्रेमनाथ ने उनके साथ जबरदस्ती की और जितेंद्र समेत अन्य कलाकार कैमरा के पीछे रहकर हंस रहे थे। इस घटना का असर ये हुआ कि उन्होंने फिल्म जगत से रिश्ता तोड़ दिया। कुछ पत्रकारों ने फरियाल से पूछा कि प्रेमनाथ इतने बड़े इंसान हैं, अपने जमाने के सुपरस्टार थे, वे ऐसा क्यों करेंगे। ये भी हो सकता है कि सीन को सच्चाई का रूप देने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। इसका जवाब देते हुए फरियाल ने शत्रुघ्न सिन्हा की एक फिल्म का उदाहरण रखा। इस प्रकार का सीन फिल्माते वक्त शत्रु साहब ने अपने दायरे का ध्यान रखा था जो प्रेमनाथ ने नहीं किया। 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री फरियाल आज 78 साल की हैं। कहा जाता है कि फिल्मी सफर के दौरान उन्हें किसी से प्यार हुआ था और उसी से उन्होंने शादी भी की थी। आज फरियाल भारतीय फिल्म जगत से दूर इजराइल में रहती हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।